हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन दबा के इसे सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2018-19 का जो इनकम टैक्स स्लैब है और आपको कितना टैक्स देना पड़ सकता है आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। तो जो ये इनकम टैक्स स्लैब होता है, बेसिकली तीन कैटेगरीज में आता है। एक वो लोग जो कि 60 साल से नीचे हैं, एक वो लोग जो 60 साल से ऊपर हैं, 80 साल से नीचे हैं, और एक वो लोग जो कि 80 साल से ऊपर हैं। तो ये तीन कैटेगरी में आता है और इन तीन कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट आपको छूट मिलती है। पहले हम डिस्कस करेंगे ये सारी बातें, मैं रेजिडेंट इंडिविजुअल जो कि इंडिया में रहते हैं उनके बारे में बता रहा हूँ, जो कि 60 साल से कम है। जो लेटेस्ट इनकम टैक्स का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग देखिए, अगर आपकी सैलरी 2,50,000 तक है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना, कोई भी एजुकेशन सेस नहीं देना और कोई भी हायर एजुकेशन सेस नहीं देना है। अगर आपकी जो सैलरी है 2,50,000 से लेके 5 लाख के बीच में आती है तो आपको 5% इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपकी सैलरी जो है वो है आपकी 3 लाख रुपए, तो जो आपका इनकम टैक्स कैलकुलेट होगा 3 लाख में से आप 2,50,000 माइनस कर देंगे, क्योंकि 2,50,000 पे आपका कोई भी टैक्स नहीं है। तो आपने 2,50,000 माइनस कर दिया, जो बचता है वो बचता है 50,000 रुपये। 50,000 रुपये का अब आपको सिर्फ 5% देना है। पिछले साल और इस साल का जो मेन डिफरेंस वो यहाँ पे है, जो 2,50,000 से लेके जो 5 लाख तक का जो रेंज था, पहले 10% था, अब इसको 5% कर दिया। इसमें साफ लिखा है 5% ऑफ टोटल इनकम, जिसमें कि हम लोग 2,50,000 निकाल देंगे, क्योंकि ये जो 2,50,000 शुरू में दे रखा है इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगना। अगर आपका पूरे 5 लाख है तो आपने क्या करना है, उस 5 लाख में से पहले 2,50,000 माइनस कर देना है। उस 2,50,000 को माइनस करने के बाद से जो भी आपकी जो पैसे या जो आपकी सैलरी बचती है वो होती है टैक्सेबल। उसके बाद से आपको अगर 2,50,000 से 5 लाख के बीच में आता है तो 2% का एजुकेशन सेस देना पड़ेगा और 1% ऑफ इनकम टैक्स का जो है सेकेंडरी और हायर एजुकेशन सेस देना पड़ेगा। और जो तीसरी कैटेगरी आती है वो आती है जिनके 10 लाख से ऊपर है। सब में कंडीशन वही रहेगी, कोई भी आपका जो सैलरी है उसमें से आपने 2,50,000 माइनस करना ही करना है। उसके बाद अगर कोई डिडक्शन है, कोई आपने सेविंग कर रखी है, वो सब मैं आपको भी बताऊंगा। ये इसमें मैक्सिमम लोग कवर हो जाते हैं। जिनकी 10 लाख से ऊपर है उनका सेम है 30%, 5 लाख से 10 लाख के बीच में जो है उनका 20%, ये सेम था पहले भी। अभी जो डिफरेंस आया वो आया कि 2,50,000 से लेके 5 लाख में 5% कर दिया गया। ये है बिलो 60 ईयर्स का। अब हम आते हैं जो कि 60 से जिनकी एज ज़्यादा है और 80 से कम है, इन्हें कहते हैं हम लोग वो रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं और सीनियर सिटीजन है। ये NRI के बारे में बात नहीं कर रहा। उसमें क्या है, इनके लिए क्या है कि 60 से नीचे वालों के लिए 3 लाख तक 2,50,000 तक है, और जो 60 के ऊपर है उनको 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर आपके पास 3 लाख आपकी इनकम है तो कोई भी टैक्स नहीं देना। अगर 3 लाख से 5 लाख तक है, अगर आपकी जो इनकम है वो 5 लाख है, तो जो आपको टैक्स देना है पहले 5 में से आप ये 3 निकाल दीजिए, क्योंकि इस पे टैक्स नहीं देना, तो बचे 2 लाख। उस 2 लाख पे आपको जो है 5% टैक्स देना है। अगर 5 लाख से 10 लाख है वो सबके लिए सेम है, 20% देना है, और 10 लाख से ऊपर सबको 30% देना है। बेसिक चीज़ ये है कि उसमें से आपने क्या करना है, 3 लाख जो भी आपकी सैलरी बनती है, जो भी आपकी इनकम बनती है, ये सीनियर सिटीजन, उन्होंने 3 लाख माइनस करना ही करना है, क्योंकि इस पे जो है कोई भी टैक्स नहीं लगना। टैक्सेबल इनकम वो है, इसको निकालने के बाद जितना भी बचता है वो होता है टैक्सेबल इनकम। ये देखिए, ये है 60 ईयर्स टू 80 ईयर्स, ये होते हैं सीनियर सिटीजन। इसके ऊपर एक और कैटेगरी आती है, उसे कहते हैं हम लोग सुपर सीनियर सिटीजन। इनको क्या है, जो कि 80 या 80 से अबव, अब उनको क्या, 5 लाख तक अगर उनका कोई इनकम होती है उनको कोई भी टैक्स नहीं देना। 5 लाख से 10 लाख सेम बाकी लोगों के लिए, जैसे 20% देना है। अब इनका क्या है कि अगर इनकी 10 लाख इनकम है तो 10 लाख में सीधे 5 लाख माइनस हो जाएगा। अब जो 5 लाख बचा उसके ऊपर उन्होंने जो है टैक्स देना है।
जो उनकी टैक्सेबल इनकम बनी वो 5 लाख बनी, उस 5 लाख पे उनको जो है टैक्स देना है। इसी तरह 10 लाख के ऊपर जो है 30% का टैक्स देना है। ये है लेटेस्ट 2018-19 का जो तीन कैटेगरी है उसमें। अब आपको देखिए इनकम टैक्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने करना है। अभी जो 2018 और 19 का जो है उसमें पहले आप असेसमेंट ईयर चेक कर लीजिए। नॉर्मल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो कैलकुलेटर है उसमें आप चेक कर सकते हैं कभी भी जाके। अपने टैक्स पेयर सिचुएशन चेक कीजिए, आप इंडिविजुअल हैं, फर्म हैं, फॉरेन कंपनी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, डिफरेंट कैटेगरीज है, उसमें से आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद से आप मेल, फीमेल और सीनियर सिटीजन, तीन कैटेगरीज हैं, मेल, फीमेल, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। मैंने आपको बता दिया इसमें सीनियर सिटीजन 60 से अबव, 80 से कम, सुपर सीनियर सिटीजन 80 से अबव, सब डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में डिफरेंट डिफरेंट छूट है। अब आप कहते हो कि आपकी जो सैलरी जो है 6 लाख है, 6 लाख के बाद से आपने यहाँ 6 लाख डाल दिया, उसके बाद से क्या होता है, डिडक्शन होता है। डिडक्शन में आप 1.5 लाख सेविंग प्लस 80D के अंदर और भी सेविंग कर सकते हैं। सपोज आपने 1.5 लाख की सेविंग की तो आपका जो ये 6 लाख में से 1.5 लाख निकाल दिया हमने, 4,50,000 बचा। 4,50,000 में, क्योंकि ये नॉर्मल है, इसमें से 4,50,000 में से आपने क्या करना है, जो डिडक्शन 6 लाख में से 1.5 लाख हमने निकाल दिया क्योंकि 1.5 लाख की हमने सेविंग कर ली, तो हमारे को बचा 4,50,000। टोटल सैलरी हमें 6 लाख मिली थी। उसके बाद से हमने क्या करना है, ये 4,50,000 में से, क्योंकि ये 60 से बिलो है, तो इसमें से हमने सीधे सीधे 2.5 लाख माइनस कर देना है, 2,50,000। ये 2,50,000 अब ये है हमारा नेट जो है, 2 लाख जो है हमारा टैक्सेबल है। 2 लाख पे क्योंकि ये 5 लाख से कम होता, जो हमारी टैक्सेबल इनकम है, ये गया है 5 लाख से कम बनी, इसका सीधे सीधे आपने क्या करना है, 5% डिवाइडेड बाय 100, ये आपका 10,000 का जो है आपका टोटल टैक्स बनेगा। आपकी जितनी भी सैलरी, अगर आप इसमें से ये कैलकुलेटर है ये सिंपल कैलकुलेट करता है, ये देखिए आप, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी सैलरी जो मेरे को टोटल मिला है वो मिला 10 लाख, हो गया 10 लाख में से आपने 1.5 लाख की सेविंग कर दी, वो 1.5 लाख माइनस हो जाएगा यहाँ पे 8,50,000। अब इस 8,50,000 में से सीधे आपने क्या करना है, 2.5 लाख और माइनस करना है, क्योंकि 2.5 लाख पे कोई भी टैक्स नहीं है। आपने क्या किया यहाँ पे,